की फिक्र होगी, भारत माँ का फिक्र नहीं, तिरंगे झंडे का फिक्र नहीं, भगत सिंह को आतंकवादी कहा फिक्र नहीं, गैंगस्टर वहाँ बैठे उनका फिक्र नहीं। नहीं, आप बात तो वही अभी जवाब दिया, उनका फिक्र तो हमें सबको आ गया, भारत माँ को अकेला छोड़ दिया, तुम्हें को गाली देता देता जाए। एक 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 मिनट, मैं सवाल का जवाब देता हूँ भाई, वही तो कह रहा हूँ, वही तो सवाल उठेंगे। अब भारत सरकार उसका करे, पहले भारत माँ का फिक्र है जनाब हमें, बाकी फिक्र बाद में, पहले भारत माँ का फिक्र है। भारत माँ को तोड़ने वाले, भारत माँ में खालिस्तान बनाने वाले, इनकी ऐसी की तैसी, पहले वो फिक्र है, हमें अपनी जिंदगियों का फिक्र नहीं। तो उनके लिए कोई व्यवस्था करे, देश करे, उनके लिए नहीं, जो वो है सिख कौम, मैं पहले तो सिख कौम तो निकले जनाब, कौम के लोग तो निकले सड़कों पे तो आए, उनको बुरा तो कहे किसी ने कहा, हर चीज भारत सरकार कोई पार्टी हो उनके ऊपर डाल दो, कौम के लीडर, धर्म के लीडर कहाँ जाएं, धर्म के ठेकेदार कहाँ जाएं, सड़कों के आके कहो थी कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे फंसे, तुम्हारे कारण 84 के दंगे हुए, तुम्हारी गलतियों से हजारों बहनों के, वो कहे तो सही, कोई बोले कोई ना, कमियां ढूंढते रहे, ये कैसे चले, कोई एक आवाज तो निकले। पूरे हाँ बिल्कुल, है ना, तो ये आप क्या वजह मान रहे हैं कि ये क्यों नहीं बोल पा रहे, क्या आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे? यार पहली बात तो किसी ने बोला ही, मेरे दिमाग में आया जो मेरा, मैंने बोल दिया, अब नहीं बोलते तो वही तो सबसे बड़ा कारण है आज कहाँ तक बात पहुँच गई। इनके सवाल, उनके सवाल वाजिब हैं, पर उन सवालों के जवाब से पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिख समाज सामने तो आए यार, कहें तो सही कि आप गलत, इतना ही कह दो भाई आप गलत हो, हम इनके साथ नहीं हैं, बस इतना कहना, हम खालिस्तान तीन कह रहे, हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये देशद्रोही है, ये सिख कौम के दुश्मन है, हम भारतीय हैं, बस तीन लफ्ज कहने में दिक्कत होगी क्या? तीन, अब कहेंगे यार बिटर कौम के खिलाफ बोल रहा, भाई यार पहले भारतीय हूँ मैं, पहले भारत है, अगर हम सारे ऐसे डबल गेम खेलते रहेंगे चैनलों में कर, बड़ी छोटी छोटी बात, डबल इधर भी नहीं जी, सिख कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी चर्चा, और अरे सिख कौम की कुर्बानियों के आगे, सिख कौम के तपो जपो के सामने हरमंदर साहब एक मिसाल है, चार दरवाजे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के, 20% सिख समाज जाता है, 80% हिंदू और ईसाई और दूसरे धर्म जाते हैं, ये मिसाल है, ये सिख धर्म है। तो बेटा साहब आप ये मानते हैं यहाँ जो बैठे पंजाब में वो लोग कनाडा में जो खालिस्तानी कह रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में रहकर वो कनाडा में जो खालिस्तानी उनका सहयोग, कौन यहाँ जो बैठे जो नहीं बोल रहे हैं नहीं के खिलाफ? ये एक सवाल का जवाब बहुत बड़ा है, मेरी चर्चा होती है कईयों से ना, कहते हम सब तो ऐसे नहीं है, मैं भी कहता हूँ मैं थोड़ा ऐसा हूँ, मैं थोड़ा ऐसा हूँ, वो हैं, अगर मैं चुप रहता हूँ तो मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं नहीं कहता कि हम उनको सपोर्ट करते, क्या मैं गुनाहगार नहीं हूँ? मेरा सवाल का जवाब है, मैं भी तो बोलता हूँ, मेरा बोलने का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर तो होता है ना, लोगों को हौसला तो मिलता है ना, जब अमृतपाल ने पंजाब में आग लगाई थी सब घरों में बैठ के मैं ही बोला था ना, बोल के चला गया उधर जेल के अंदर, मैं अपने देश में काम में निकल गया। सवाल ये है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, गुरुद्वारा साहब के अंदर हम इकट्ठे क्यों होते हैं? सिख कौम का मतलब क्या? मानवता की रक्षा, लंगर लगाना, ये खालसा बस वाले लंगर लगाते हैं ना, ख़त्म नहीं होता लंगर उनका, लगाते हैं ना सेवा। मैं पूरे देश की बात करता हूँ, मैं जोधपुर की बात नहीं करता, अमृतसर की बात करता हूँ, बॉम्बे की बात करता हूँ, जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं वहाँ एक अरदास करें और कहें इनको समर्थ बख्शो, इनको बुद्धि बख्शो, हे गुरु महाराज, या हमारी कौम को, गुरु महाराज की पवित्र कौम को, तपो जपो की कौम को बदनाम कर रहे हैं, इतना तो को कह दे। जिस दिन ये आवाज़ उठेगी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो आपका और इनके सवालों का जवाब ये जवान से मिल जाएगा, सरकार को करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक भी खालिस्तान का नारा हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं लगेगा, दुनिया के अंदर खालिस्तान का नारा नहीं लगेगा। ये कहेंगे अरे तुम मामे लगते हो पंजाब के, और खालिस्तान के तुम्हारी ऐसी की तैसी, रहते वहाँ हो, कारोबार वहाँ करते हो, पाकिस्तान के तो पंजाब से तुम्हारा क्या मतलब भाई? तुम्हें जाते जाते 25 साल हो गए, तुम्हारा पंजाब से क्या लेना देना भाई? हम पंजाब के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग खालिस्तान नहीं चाहते, तुम क्यों लेना चाहते हो भाई? तुम कौन से सिख हो, कौन सी कौम के हो, तुम हमारे सिख समाज से जुड़े हुए नहीं हो? जवाब कौन देगा जनाब? मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ,
आऊँगा, बोल के चले जाऊँगा, आप भेज देंगे, मतलब नहीं। बात एक एक चीज़ का जवाब आपको देना चाहता हूँ कि ये निचोड़ है लाइफ का। और कोई सवाल के अंदर आओ, मैं चलता हूँ। हिंदुस्तान को आपने धर्म समर्थ समझ लिया, कभी भी आओ धरना दे दो, कभी सिद्धू बॉर्डर पे धरना दे दो, कभी किसी को पकड़ करके ऐसे तलवानियों की तरह काट दो किसी व्यक्ति को, कभी पटियाला के अंदर एक पुलिस का जवान ड्यूटी दे रहा कोरोना काल में उसका हाथ काट दो, कभी गुरु ग्रंथ साहब को लेके अमृतपाल उनको डाल बना लो। ये क्या हो रहा तमाशा? ये सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, सिख कौम किसी को मारने के लिए नहीं सजाई गई, मजलूमों को ख़त्म करने के लिए नहीं सजाई गई। को बोले तो तुमको मार देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मारोगे। आओ आओ, किसी ने बहस करनी आए मेरे साथ इनमें? एक बात मैं आपके मीडिया के जो द्वारा, क्योंकि तो सोशल मीडिया का युग है, सब तरफ ये चीज़ जाती है, राजस्थान के लोगों को, पूरे देश के लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, ये बम्बों से टूटे हुए शरीर, जख्मी शरीर का खून की एक आवाज़ मैं कहना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, MS बिट्टा के जख्मी शरीर से गंदी हनेरी की तरह जहाँ हमारी लाशों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे, ये हमने अपने शरीर पर बम खा के आपको यकीन दिलाया है। पर एक सवाल है बहुत बड़ा, हिंदू बोले तो फिरका परस्त हैं, हिंदू बोले तो हिंदू हैं, कोई और धर्म बोले तो ईसाई है, मुसलमान बोले तो मुसलमान है, तू इसलिए बोलता है, तो बोले कौन? मेरा आपसे सवाल है, एक ऐसी चीज़ आपको दे के जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। कल सारा दिन टीवी पे डिबेटों में ही चलता रहा, इसका एक ही हल है, ना सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, ना नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत पड़ेगी, ना AK-47 की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी अम्बेसी सरकार के तरने मारने पड़ेंगे। जिस दिन मेरे पगड़ी तारी सिख जो गुरु महाराज ने हमारे कुर्बानियों से सजाई सिर के ऊपर, सिर्फ सिख समाज, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिख नहीं, सिर्फ सिख समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर गुरुद्वारा साहब संगत इकट्ठी करें, संगत इकट्ठी करते हैं ना, कुछ देना आता है, हाथ जोड़ते हैं ना, आप भी जाते लंगर खाते, संगत इकट्ठी करें, ऐसे मीडिया को बुलाएं, अरदास करके मीडिया के लोग भी अपने सिर पे कपड़ा बांधे और बोले सोने हाल सतना वाहेगुरु करते हुए कहें, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमने भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना, ये पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले चंद खालिस्तानी, ये हमारी कौम के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन, इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, इनकी गलतियों से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का पंजाब में कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हिंदू भाइयों को घरों से निकाल निकाल के, को रोटी कमाने गया था अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, उसके हाथ में तरचूल कृपान नहीं था, बंदूक नहीं थी, जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी, जिस ईसाई के सिर में, मुसलमान के सिर पे पगड़ी नहीं थी, उसको भी हिंदू समझ के गोलियों का निशाना बना दिया। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, 6 साल के अंदर 36,000 लोगों का खून पीने के बाद, ये बदमाश, ये खालिस्तानी, ये गुंडे, ये सिख कौम के दुश्मन, ये भारत माता के गदार, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले अब भी खून के प्यासे हैं। ये जो जिधर निज्जर मारा गया, कईयों का खून पी के गया, यहाँ पे कईयों के बहनों के सुहाग उजाड़ के चला गया, कई बच्चों को यतीम करके चला गया। और दाढ़ी खोल लो, गुरसिख बन जाओ। अरे हमारा पहरावा तो गुरु महाराज ने सुंदर दिया है, माँ कहती थी पहले, औरत कहती, पिता कहता, ट्रेन में बैठा, बस में बैठा, 100 आदमी बैठा, अरे सरदार साहब आ गए, माँ कहती मेरे 2 बच्चे होंगे, एक बेटे को सरदार बनाऊंगी। आज को बनाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बनाता है कोई? आज नहीं को बनाता। हमने अपने रूप, अपने पहरावे इतने पवित्र, इतने सुंदर हमें गुरु महाराज ने दिए,
हमने पैरावों को एक उलट कर दिया करके बांध के असी सरदार बनो, सरदार बनो, सरदार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके धर्मों से सरदार बनते, फख्र से बनते, सिखों की पहचान एक अलग है। पर सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे जिसने 71 की जंग जीती थी, सरदार बनो एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल ऑपरेशन किया था, सरदार बनो बग्गा जी जैसे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अमेरिका के अंदर इस जो कई सरदार साहब, ऐसे सरदार मत बनना। हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम सिंधु बॉर्डर पे काट देते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उनको काट देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले भी देखा था, आज भी देखता हूँ, 42 हाथ से लड़ रहा हूँ, बोनस की ज़िंदगी है, को बोले या ना बोले लड़ूंगा आखिरी सांस तक इस देश के लिए, मानवता के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए। कल मुझे जी टी वी के एक पत्रकार ने, दीपक चौरसिया जी ने पूछा कि आप सिख समाज को इकट्ठा करके अगुवाई करेंगे, मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, अपने आप निकले जिसने निकलना है, हम क्यों किसी को हाथ जोड़े। ये मुल्क किसका है? मुल्क सबका है। जो जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां किसने खाई थी? हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने। उनके लाल खून से तिरंगा झंडा बुना गया था, को एक धर्म का तिरंगा झंडा नहीं है। भगत सिंह हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। भारत माँ जहाँ गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर जहाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पटना साहब आखिरी स्थान, नदेड़ साहब महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली चांदनी चौक, जो भारत हमारा है उसको गाली दे रहे और बिट्टा तर्रे मारे जी मेरे साथ चलो, बिल्कुल नहीं। मैं कह एक ही कहा था, 125,000 में एक लड़ाऊँ फिर गोविंद नाम कहलाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ फिर गोविंद नाम कहलाऊँ, अकेला ही बहुत हूँ। हिंदुस्तान के सच्चे भारतीयों का, दुनिया में बैठे सच्चे भारतीयों का मुझे आशीर्वाद चाहिए इस राष्ट्र के लिए, बोनस की जिंदगी के लिए। हम कुर्बानी दी, कुर्बानी देंगे और कुर्बानी जितनी देर तक बोनस का हिस्सा जीते देंगे, ठीक है, धमकियां देते मार देंगे कोई दिक्कत नहीं। अस्पतालों में जीवन गुजरे, बचपन जवानी सब गुजरा, पर इनको खालिस्तानियों को मैं कह देना चाहता हूँ, वो खालिस्तानियों, वो देश के गदारों, कौम के गदारों, जब कभी बम दोबारा चलाओगे, जब शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ेंगे, तो हर खून से, हर कटी हुई नस से ये आवाज़ जरूर निकलेगी, मेरे खून से नारा निकलेगा, गर्म खून से, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जब मैं हिंदुस्तान के लोगों को, हर हिंदुस्तानी को दुनिया में बैठे यकीन दिलाना चाहता हूँ, को मेरा सिख भाई सड़कों पे आए या ना आए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ मीडिया को बुला के कहें या ना कहें, हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। और MS बिट्टा, इस बोनस की जिंदगी के अंदर कोई गंदी राजनीति नहीं, इस राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए अपने बचे हुए बम्बों से शरीर को इस मातृभूमि के चरणों में निछावर कर देगा। और हम रोज प्रेयर करते हैं भारत माँ के सामने, भगवान के सामने, कि जब भी कभी मौत आए बम्बों गोलियों से, आखिरी वक्त इतना देना, आधा सेकंड से भी कम इतना निकला है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और अपने चरणों में समा लेना, यही आखिरी हमारी इच्छा है। और अगर लोग इस तरीके से डर करके चुप रहेंगे, कई बार चर्चा होती है भाई हम सारे सरदार तो ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक खालसा बस वाले हैं सरदार साहब, कितने महान हैं, सुबह उठ के जब प्रेयर करते गुरु तेग बहादुर जी के सामने, कहते मेरा राष्ट्र मजबूत रहे, हमारा धर्म मजबूत रहे, क्या शुभ विचार हैं उनके, खालसा बस सर्विस। ये सरदार साहब, ऐसे सरदार साहब बने, अगर हमने मौका जाने दिया तो आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। अपनू ने ऐलान कर दिया कि हिंदू चले जाओ यहाँ से, कनाडा से हिंदू निकल जाओ। अब इसका जवाब कौन देगा? आप में से कोई हिंदू जवाब देगा? अरे तुम तो RSS के हो, तुम तो हिंदू हो, तुम तो फिरका प्रस्त हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो ईसाई हो, तुम तो हमारे धर्म के खिलाफ हो, तो बोलेगा कौन?
बिट्टा बोलेगा, बिट्टा ना कौम का गदार है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, 100 बार कहो कौम का गदार, इस भारत पे फख्र है, हिंदुस्तान का गदार मुझे कोई ना कहे, बस आखिरी सांस तक भगवान से प्रार्थना, मुझे भारत माता का गदार नहीं को कह सकता, ये मुझे फख्र है, मुझे सिख कौम का गदार कह दो, मैं पहले भारती फिर सरदार, पहले भारती फिर मैं सरदार हूँ, जिस भारत के लिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने अपने अपनी बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ दी। अब सवाल पूछो, कौन पूछ रहा है? रामदेवड़ा मत्था टेकने जाने के लिए और कुछ इलाज कराने के लिए आया था, पर क्योंकि हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, देश सबसे बड़ा देश, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां और हम इंसान आते हैं। आपने देखा होगा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये हमारे देश पे इल्ज़ाम लगाया, हमारी सरकार पे लगाया कि जो आतंकवादियों को मारा गया है कनाडा के अंदर, वो भारत की एजेंसियों ने मारा है। उसके ऊपर मुझे कल सारा दिन, मैं चैनलों पे रहा, आप में भी एक दो साथी थे, चैनलों में थे, कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है, हिंदुस्तान में हरकतें करो, अमेरिका के अंदर 11 सितंबर की घटना करो, 11 सितंबर प्लेन के जरिए जब ओसामा बिन लदेन ने घटना की थी, और फिर पाकिस्तान में छुप जाओ, पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करो, बहनों के सुहाग उजाड़ो, बच्चे यतीम करो, नार्को टेररिज्म फैलाओ, हथियार भेजो, पुलिस पकड़ने लगे, चल पाकिस्तान, जो कभी बराक ओबामा ने कहा था, पाकिस्तान आतंकवाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और वो साबित हुई। आज कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन गया, पूरी दुनिया के अंदर किसी का कत्लेआम कर दो, गैंगस्टर टेररिस्ट नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर टेररिस्ट नार्को टेररिज्म का अड्डा बन गया कनाडा, जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अच्छे कारोबार करते हैं, बच्चों का फ्यूचर बनता है, कौन अपने बच्चों को भेजेगा वहां पे, जहां रोज खालिस्तान के नारे लगेंगे, जहां पंजाब में खालिस्तान बनाने के नाम के ऊपर पंजाब को तोड़ने की कोशिश होगी, कौन है पीछे? कनाडा और पाकिस्तान एक ग्रुप बन चुका है, एक पाकिस्तान ये हमारा पास लगता हुआ, एक पाकिस्तान कनाडा एंड पाकिस्तान भी कह दो, दूसरा पाकिस्तान वो बन गया। क्या हमारे देश ने किसी मुल्क को तोड़ने की कोशिश की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कुछ हो, या कोई देश हो, के तोड़ने? G20 के बाद पाकिस्तान, चाइना, कनाडा बुखला चुके, पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में G20 को लेके आए, कामयाब हुआ। अब वहाँ पे रोज खालिस्तान के नारे, तिरंगे झंडे का अपमान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खून से बने तिरंगे झंडे को अम्बेसियों से उतार करके पैर में रोलना, भारत माता को गाली देना, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहना, वो भगत सिंह जो पंजाब का योद्धा था उसको आतंकवादी कहना, पाकिस्तान दुश्मन देश भगत सिंह को सलूट करता है या भगत सिंह जी को गाली देते हैं, मंदिरों पे हमले करने, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ना, घटिया नारों का प्रयोग करना, कि हमारी सिखों की परंपरा नहीं है, हमारी सिख कौम गुरु साहिबानों ने मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, ईसाई भी था, उनके लिए सजाई थी सिख कौम, इन्होंने सिख कौम को बदनाम कर दिया। क्या ये 200 किलोमीटर का पाकिस्तान खालिस्तान चाहते हैं? क्या गंगानगर के पीछे तक खालिस्तान चाहते हैं? क्या पठानकोट तक खालिस्तान चाहते हैं? क्या ये राजपुरा तक खालिस्तान चाहते हैं? अबाला के पास का कौन सा खालिस्तान, 250 किलोमीटर का खालिस्तान चाहिए इनकी ऐसी की तैसी? कौन लगते हैं ये खालिस्तान, खालिस्तानी जो कनाडा में अमेरिका में नारे लगाने वाले आए हिंदुस्तान में आके खालिस्तान की बात करें,
अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है तो खालिस्तान बनाए कैनेडा के अंदर, ट्रूडो इनको जगह दे रहे खालिस्तान की। हम पंजाब के रहने वाले, हम भारत देश के रहने वाले, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं। ये कौन है खालिस्तान बनाने वाले पहले के? अगर फिर भी खालिस्तान का इनका प्यास नहीं बुझती, ये चढ़ता हुआ पाकिस्तान लाहौर चले जाएं, खालिस्तान बना ले, जो हमारा पंजाब था काबुल कंधार तक। मैं चलता हूँ इनके साथ, मैं पहले अपने आप को अपनी कुर्बानी दूंगा। आओ,